नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। अल दाहिरा गवर्नमेंट में जो इबरी के संगमरमर के खदान में चट्टान ढहने की वजह से अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, 3 व्यक्तियों का और शव मिल चुका है नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की टीम को, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 मजदूर अभी भी यहां पे लापता है, यानी कि मलबे के नीचे उनकी बॉडी दबी हुई है। लेकिन नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की जो टीमें हैं लगातार दिन रात एक करते हुए जो उनको खोजने का काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें यहां पे लगाई गई हैं ताकि इनके शवों को जल्द से जल्द बरामद कर लिया जाए और इनके शव को उनके परिवार के लोगों के पास भेजने की तैयारी भी की जा रही है। देखिए, सल्तनत में बहुत जोरों से बहुत तैयारियों के साथ स्वागत किया जाना है रमजान के महीने को, और इसके लिए धार्मिक मामलों के मंत्रालय की जो कमेटी है इसके ऊपर आज बैठक करेगी। यदि चांद दिखाई देगा तो रमजान की घोषणा हो जाएगी। देखिए, ओमान के स्वास्थ्य मंत्री सुप्रीम कमेटी के सदस्य डॉक्टर अहमद मोहम्मद अल सईदी ने एक कोविड अपडेट दिया है कि जिस तरह से ओमान में बूस्टर खुराक लगाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सबसे खुशी की बात यह है कि अब तक 1,60,000 लोगों को बूस्टर खुराक लगा दिया गया, जिनमें से केवल 10% ही ओमानी है, यानी कि 90% एक्सपेक्ट जो है जो प्रवासी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं। वे कहीं ना कहीं तुरंत ही जाकर के जैसे उनके बूस्टर खुराक का समय होता है वे किसी न किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के अपना बूस्टर खुराक लगवा लेते हैं स्वयं से, या फिर उनकी कंपनियां उनको बूस्टर खुराक लगवा रही हैं। और यही एक कारण है कि जो प्रवासियों की मृत्यु की स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा घट गई है। देखिए, सल्तनत में जो बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, खासकर 5 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, जो ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय के महामारी विज्ञान निगरानी केंद्र के निदेशक डॉक्टर आदिल सईद ने कहा है कि हम 5 से 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को वैक्सीनेशन जो लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ही जल्दी इन बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा। ऐसे 11 टीकों को मंजूरी दे दी गई है जो पूरी तरीके से सुरक्षित है, किसी भी प्रकार का इसका दुष्परिणाम दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिला है, खासकर बच्चों की बात करें तो। और देखिए, रमजान के महीने में यदि आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं तो ही आप मस्जिद में जाकर के नमाज अदा कर सकते हैं, और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मस्जिदों में ले जाना पूरी तरीके से सुप्रीम कमेटी ने इस पर रोक लगा दी है। देखिए, जो भी लोग इफ्तार रोजा पार्टी रखते हैं शाम को, उस पार्टी के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो सार्वजनिक हॉल हैं या प्रदर्शनियां हैं वहां पर 70% लोगों की उपस्थिति को अलाउ किया गया है, यानी कि 70% से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, बकायदा आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। देखिए, जो भी आप ओपन प्लेस पे जा रहे हैं, समुद्र के तट पे जाते हैं या फिर कहीं ऐसे गार्डन में जाते हैं, तो मास्क नहीं लगाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप किसी बंद कमरे में हैं, किसी हॉल में हैं, किसी मॉल में हैं, किसी दुकान में हैं, तो वहां पे मास्क लगाने की अनिवार्यता अभी भी है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। सुप्रीम कमेटी की बैठक में ओमान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की बात करें तो ओमान सबसे आगे चल रहा है। 97% लोग हैं जिन्होंने पहली डोज लगा ली है, 89% लोग हैं जिन्होंने पहली और दूसरी डोज दोनों लगवा ली है, और 39% जो लोग हैं उन्होंने बूस्टर खुराक भी ले ली है, और इन टीकों का कोई दुष्प्रभाव नहीं सामने आ रहा है। लेकिन बहुत ही जल्दी सल्तनत में चौथे डोज यानी चौथे टीके की भी शुरुआत हो जाएगी, खास करके ऐसे लोग जो वृद्ध हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए चौथे टीके को भी मंजूरी ओमान का स्वास्थ्य मंत्रालय दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है, इससे ओमानी सरकार को अधिशेष राजस्व प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो भी प्लानिंग किया गया था कि जितना मुनाफा आना चाहिए उससे कई ज्यादा गुना मुनाफा प्राप्त हो रहा है। और इस पैसे का इस्तेमाल देखिए ओमानी सरकार जो सार्वजनिक जो कर्ज है उसको चुकाने में करेगी। $2.85 बिलियन महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने आने वाले रमजान के महीने के लिए अपने भाइयों, अपने जो मित्र देशों और अरब और इस्लाम कंट्रियों के नेताओं को एक शुभकामना संदेश भेजा है। अपने संदेश में महामहिम ने उनके देशों के लोगों के और आगे बढ़ने, समृद्धि, खुशी, शांति, कल्याण और अच्छे स्वास्थ्य की लंबी कामना। ओमान में काम करने वाले सभी प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, यदि आपका वर्क परमिट 31 मार्च 2022 से लेकर के 30 जून 2022 के बीच में समाप्त होता है तो ऐसे
समय में समाप्त होने वाले वर्क परमिट वाले लोगों को एक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, यानी कि ओमानी सरकार चाहती है कि जो कंपनियां हैं उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ न पड़े, प्रवासी वर्करों को ओमान से निकालना न पड़े, उनके जो वर्क वीज़ा है उसको परमिट को रेन्यूअल कराने की एक सुविधाजनक समय सीमा भी दी है।